हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे एनुअली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ई श्रम कार्ड योजना के तहत एक बड़ा मैसेज जारी हुआ है, तो उस मैसेज में क्या कुछ बताया गया, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो ये मैसेज भेजा गया है AX हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है ये, ठीक है। ये भेजा गया था 21 नवंबर 2021 को। जी हाँ, ये कल मैसेज भेजा गया था 9:21 पर, सुबह सुबह मैसेज भेजा गया था ये, ठीक है। तो इस मैसेज में क्या कुछ बताया मैं आपको बता देता हूँ। प्रिय श्रमिक बंधु, आपके परिवार का सदस्य या सहयोगी या कोई अन्य व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण कार्यों, खेतिहर मजदूरी, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी, ठीक है, और दिहाड़ीदार मजदूरी या अन्य मजदूरी करता है और उसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि प्रिय श्रमिक बंधु, आपके परिवार का सदस्य है या सहयोगी, कोई भी अन्य व्यक्ति है जो असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार का श्रमिक है, किसी प्रकार का मजदूर है, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया है खेतीहर है या मजदूरी करता है, घरेलू कामगार है, कोई भी रेहड़ी टपरी वाला है या दिहाड़ीदार है या मजदूरी, ठीक है, तो अन्य मजदूरी करता है कोई भी कैंडिडेट और उसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो, बीच है, ठीक है, जो भी इनमें से फॉलो करता हो श्रमिकों में से 16 से 59 वर्ष के बीच में अगर आप उसकी आयु है, तो आप उन्हें प्रेरित करें कि वह सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं पंजीकरण करें, ठीक है, इसमें बताया है। और या नज़दीक की कॉमन सर्विस सेंटर पर तुरंत जाकर ई श्रम पोर्टल पर मुफ्त पंजीकरण करवाएं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14434 पर संपर्क करें। श्रम विभाग हरियाणा द्वारा ये मैसेज भेजा गया है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बताया है जो भी घरेलू कामगार है, श्रमिक है, किसी प्रकार का मजदूर है, किसी प्रकार का कार्य करता है, तो ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण जरूर करें। इसमें साफ साफ बताया, ये बड़ा मैसेज जारी हुआ है, मैं आपको दोबारा से और बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रिय श्रमिक बंधु, आपके परिवार का सदस्य या सहयोगी या कोई अन्य व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण कार्यों, खेतिहर मजदूरी, घरेलू कामगार, रेहड़ी टपरी, दिहाड़ीदार मजदूरी या अन्य मजदूरी करता है, तो उसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है, तो आप उन्हें प्रेरित करें। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से जो नागरिक है ई श्रम कार्ड योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया था, तो इसमें भी वही कैटेगरी बताई है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, घरेलू कामगार भी बताया था, मजदूरी भी बताया था, रेहड़ी टपरी वाले भी बताया था, दिहाड़ीदार मजदूरी, मजदूरी करता या 16 से 59 साल के बीच में मैंने आयु बताई थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इस मैसेज में वही चीज़ें इसमें बताई है। तो ई श्रम कार्ड के लिए अपने प्रेरित करना है जो भी इन कैटेगरी को फॉलो करता है, ठीक है, इसमें साफ साफ बताया है, तो उनको प्रेरित करना है भाई सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं पंजीकरण करें या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर पर तुरंत जाकर ई श्रम पोर्टल पर मुफ्त पंजीकरण करवाएं। जी हाँ, आप CSC सेंटर पर जाकर मुफ्त में पंजीकरण करवा सकते हैं, ठीक है, ई श्रम कार्ड पर, ठीक है, ई श्रम पोर्टल पर। तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14434 जारी किया गया है, ठीक है, ई श्रम कार्ड योजना के तहत। तो श्रम विभाग हरियाणा द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है, तो आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 14434 नंबर, ठीक है। तो ये मैसेज जारी हुआ था ई श्रम कार्ड योजना के तहत, तो मैंने इसको लेकर पूरी जानकारी आपको बतानी थी। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि हर बेरोजगार युवाओं को, हर जितने भी नागरिक हरियाणा के, तो उनको ये जानकारी मिल सके, ठीक है, जो भी किसी प्रकार का श्रमिक है वो इन कैटेगरी को फॉलो करता है, तो ई श्रम कार्ड पंजीकरण में जरूर करवाएं, ठीक है। CSC सेंटर आप खुद की आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी जानकारी को बता दी, इस मैसेज में कुछ बताया गया था, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है, तो ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।